स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव, हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पे केआई। नजर डालते हैं आज की खबर पे। मैं काबिज दाखिल भी हूं, लेकिन मेरे जमीन का कुछ हिस्सा मेरे बगलगीर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने गांव से लेकर थाने तक, थाने से लेकर तहसील दिवस और एसडीएम साहब तक, श्रीमान जिला अधिकारी तक, पुलिस अधीक्षक महोदय तक। मैं इसकी बात आपने जब भी दर्शाया, हमें आपने जो समाचार आपने दिया उसको आपने ये बताया कि मैंने मुख्यमंत्री और कमिश्नर और डीआईजी मतलब एसपी को भी आपने दिया था? जी जी, मैं सब जगह दे चुका हूँ, परंतु इस पे कोई भी कार्यवाही अभी आप कहने के अनुसार नहीं हो पाया? नहीं सर, मेरे पक्ष में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जांच करने लोग आए थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और चले गए। आज जो बगलगीर हैं, जो मेरे विरोधी हैं, वो हावी हैं मुझ पर। मैं डर के भाग रहा हूं और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। भू राजस्व आपका लेखपाल कौन सा है, उसके नाम बता? लेखपाल प्रेजेंट टाइम में प्रचार के सुधीर कुमार गुप्ता जी हैं। उनसे भी मैंने बात किया, लेकिन वो जो मैं शिकायत किया था उसका जांच पड़ताल आया तो वो घर बैठे ही समस्या का निस्तारण दिखा दिए। मौका देखने लेखपाल साहब नहीं आए। मतलब मेरे कहने का ये है कि इन्होंने अपने हर प्रार्थना पत्र में एक अपील किया, लोगों से न्याय मांगने का गुहार किया इन्होंने, परंतु इनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। लेखपाल के पास जो भी कोई सूचनाएं आती हैं वो घर बैठे ही रिपोर्ट लगा देता, ऐसा इनका कहना है। जी, यहाँ तक कि लेखपाल साहब ने फर्जी गारंटर भी उसमें नाम डाल के दिखा दिया है। मैं गारंटर के मोबाइल पे कांटेक्ट किया तो वो लोग कह रहे हैं ये मेरा नाम ही नहीं है, ना मेरा नंबर है। मैंने जब उनसे पूछा तो ये हमें मालूम नहीं है कि वो गारंटर है कहाँ का, और गवाह के रूप में उनको दिखा करके समस्या का निस्तारण कर दिया गया। फिर डीएम साहब को आपने प्रार्थना पत्र दिया इधर आजकल के डेट में? जी, मैं एप्लीकेशन लिखा हूँ और लेकर के जाऊंगा, दूंगा उनको एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन तो मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। पीड़िता का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कई बार प्रार्थना दिया, डीएम को दिया, एसपी को दिया, मुख्यमंत्री को भी भेजा इन्होंने, उनके ऑनलाइन पे भी इन्होंने दिया, उसके बाद भी इनकी कभी कोई सुनवाई नहीं की गई। पुनः ये आज के डेट में एक एप्लीकेशन लिखा है इन्होंने, जो डीएम को प्रेषित करने जा रहे हैं, ये इनके कहने का मतलब है। जी, मैं ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।